हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। दोस्तों, यहां पे गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, पीजी डीसीए या डीसीए क्या मांगेगा। तो ये भर्ती जो पूरे भारत के लिए होने वाली या सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए होने वाली वो जानकारी दूंगा। 12वीं पास जो भी स्टूडेंट वो फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम आयु सीमा यानी कि एज आपकी कितनी मैक्सिमम मांगेगा, सिलेबस क्या होने वाला, एग्ज़ाम कब होगा और इसके टोटल कितने पोस्ट हैं, और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपकी अधिकतम आयु सीमा की बात कर लूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी जानकारी होती है विभाग कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद भेज देता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी भर्ती परीक्षा कराता है यानी कि पीवी कराएगा, तो उसको सारी ऑफिशियल जानकारी पहले से ही कैबिनेट से जो बिल पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग जानकारी प्राप्त होती है और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा नोटिफिकेशन जारी करता है। तो दोस्तों, अभी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूँ। तो अगर मैं अधिकतम आयु सीमा की बात करूँ तो जो आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली दोस्तों, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अकॉर्डिंग होने वाली जो आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा वो ग्रुप 3 या फिर ग्रुप 4 की श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो उसके लिए जो खुली प्रतियोगिता है सीधी भर्ती के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भी 18 से 40 वर्ष के स्टूडेंट है यानी कि जनरल कैटेगरी के, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट है यानी कि ओबीसी एसटी एससी, उनको जो सैनिक, उनको जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से 18 से 45 वर्ष के जो भी स्टूडेंट्स हैं या वो इसका फॉर्म भर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और पूरी जानकारी आपको क्लियर करता हूँ। अगर मैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात कर लूँ, जो भी पटवारी भर्ती 2017 के अकॉर्डिंग हुई थी, अगर उसके अकॉर्डिंग इस साल भी जो भर्ती परीक्षा होगी सेम होने वाली है, और इसका अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता दूँ तो वो 100 मार्क्स के होता है एग्ज़ाम, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके आपसे पूछा जाता है, सामान्य गणित एवं सामान्य अभिरुचि यानी कि क्वांट एंड एप्टीट्यूड, और यहाँ पे आपसे सामान्य हिंदी भी पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान। तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और आप उसको कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी से कितने कितने पूछ रहा है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसका जो भी डिटेल सिलेबस होगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ पूरी जानकारी कि डीसीए मांगेगा कि क्या मांगेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं वेतनमान यानी कि आपका जो पेमेंट होने वाली है, आप देख सकते हैं पटवारी भर्ती है तो वेतनमान जो अभी चल रहा है 5,200 से 20,200 और 2,100 रुपये आपका ग्रेड पे है, यानी कि इसकी अगर मैं अमाउंट बात कर लूँ तो आपकी सैलरी कम से कम इसकी 21 से 22 हज़ार तक आपको मिल जाएगी। अब इसकी अर्हताएँ क्या क्या हैं यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूँ जो कि मैं जानकारी अभी इसमें दिख रही है आपको जानकारी, ये 2017 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो अभी 2020 में होगा उसमें भर्ती परीक्षाओं में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि जब 2017 की भर्ती परीक्षा हुई थी जो विभाग था यानी कि जो डिपार्टमेंट था उसने कुछ जानकारी बताई थी। अगर मैं यहाँ पे लगभग 2-3 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरी जो भी जानकारी मुझे प्राप्त है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होने यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और सेकेंड शर्त इन्होंने रखी थी कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अधीन अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना होगा, अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको 2 वर्ष के अंदर आपका CPCT निकालना होगा। किसका निकालना होगा? आपका हिंदी टाइपिंग का निकालना होगा और कंप्यूटर टाइपिंग का निकालना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है, जैसे कि अभी अगर CPCT नहीं भी किया तो वो इतना परेशान नहीं हो कि CPCT मांग लेगा और हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर वो कंडीशन रख सकता है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप पेपर पास कर लेते हैं तो आपको CPCT निकालना होगा।
अगर आप सीपीसीटी भी करना भी चाहते हैं तो आपको किन में सीपीसीटी तैयार करना है दोस्तों, अपना सीपीसीटी तैयार कीजिए, आप हिंदी में कर लीजिए और कंप्यूटर में कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो सीपीसीटी मांगेगा दोस्तों वो हिंदी और कंप्यूटर में मांगेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे जो डाउट होगा वो भी मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि डीसीए या फिर पीजीडीसीए मांगेगा क्या, तो जब वहाँ पे विभाग ने 2017 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अभी हमने जानकारी नहीं प्राप्त दी थी इसलिए इस साल उन्होंने डीसीए नहीं रखा था, लेकिन अब जो भर्ती परीक्षा आएगी 2017 के बाद उसमें डीसीए या पीजीडीसीए मांगा जाएगा। तो 2020 की जो भर्ती परीक्षा है दोस्तों, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, जो भी विभाग है वो जानकारी देता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ 2020 में जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें आपसे डीसीए और पीजीडीसीए मांग सकता है। यहाँ पे आप 70% मान के चलिए कि आपके डीसी पीजीडीसीए मांग लेगा। अब वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से युवाओं को लुभाने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि डीसी पीजीडीसीए नहीं दे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका डीसी पीजीडीसीए 2020 की भर्ती परीक्षा में मांगेगा। तो यहाँ पे जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दिया, और अगर आगे बढ़ता हूँ और जैसे कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो अनदर स्टूडेंट स्टेट के जो स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या, जो भी बाहर रहते हैं काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे स्टेट से एजुकेशन हुआ, लेकिन अगर उनके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए मध्य प्रदेश का और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपको होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ और भी जो डाउट्स है तो अगर मैं एग्ज़ाम डेट और जो भी डाउट्स है वो मैं बात बता देता हूँ इस वीडियो में। जैसे अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 4,000 पोस्ट है, यहाँ पे दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ आई हुई है आप देख सकते हैं कि 4,000 पोस्ट आने वाले हैं, और यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट 6 से 7 मंथ्स के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, और अगर आपने डीसीए नहीं भी किया तो हो सकता है आप डीसीए में एडमिशन ले सकते हैं और रनिंग वाले को शायद अलाउ कर दे, बट अगर डीसीए मांग लेगा तो आप ये मान के चलिए कि जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं और यहाँ पे वो डाउट रहता है, क्योंकि 2017 के पहले जो पोस्ट आई थी उसमें कुछ किस प्रकार से था मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले 12th मांगा गया था, तो 12th मांगने के बाद क्या था कि सीएस का जो डिपार्टमेंट होता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसको अलाउ किया गया था क्योंकि वो कंप्यूटर में ज़्यादा एजुकेशन उनकी होती है, तो उनको अलाउ किया गया था कि वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो अन्य ब्रांच थे मैकेनिकल सिविल वो सब इसका फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको मिनिमम फिर डीसीए मांग लिया था। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ इस बार जो आएगा तो उसमें आपसे डीसीए मांग लेगा, तो इसमें कोई ये नहीं कि हमने सीएस से किया तो हम इसका फॉर्म भर सकेंगे, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सीएस वाले हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकेंगे, ये चीज़ क्लियर कर दूँ। और पहले जो भर्ती परीक्षा कराई गई थी वो 12वीं के अकॉर्डिंग कराई गई थी, और अन्य स्टेट्स में भी जो परीक्षाएँ होती है वो कुछ 12वीं के अकॉर्डिंग लेते हैं, बट MP में 12वीं के अकॉर्डिंग नहीं लिया जाएगा, आपसे मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और सिलेबस की जानकारी मैंने दे दी, और एग्ज़ाम जो आपका 6 से 7 मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, 4,000 इसके जो पोस्ट होने वाले हैं टोटल पोस्ट होने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो भी सीपीसीटी के रिगार्डिंग आप लोग के डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि आपको हिंदी और कंप्यूटर में सीपीसीटी तैयार करना है, और उसके बाद आप अगर डीसीए पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि इस साल भर्ती परीक्षा होगी उसमें डीसीए पीजीडीसीए आपसे मांगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो दे दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।